सर्दियाँ शुरू हो गया और सर्दियों में कुछ मसालेदार कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। तो आज हम जा रहे बनाने स्पेशल गोभी के पराठे। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है इसको बनाना, और अगर आप एक बार इस तरीके से बनाकर खा लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना खाना पसंद करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरे एंड तक जरूर बने रहें। गोभी पराठा बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 किलो गोभी। फिर हमने गोभी को लेकर काट दिया है, तो हमने इसको कद्दूकस पे क्रश नहीं किया है, हमने इसको चाकू के सहायता से छोटे छोटे शेप में काट दिया है, क्योंकि कद्दूकस पे तो सभी लोगों को बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट डिलीशियस बनेगा। इसके बाद चलिए आगे के सामान और देख लेते हैं। तो हम ले लेंगे 1 प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च और साथ ही थोड़े से हरी धनिया ले लेंगे। सबको हमने छोटे छोटे शेप में काट लिया है। हमने इसमें हरी मिर्च के यूज़ ज़्यादा किया है, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। ऑयल को हीट हो जाने के बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को चटक जाने के बाद डाल देंगे अपने प्याज को और साथ ही हरी मिर्च को डाल देंगे। अभी आपको हरी धनिया का यूज़ नहीं करना है। डालने के बाद सबको पका लेंगे। 1 मिनट तक आपको सबको पका लेना है गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर। तो अभी हम गोभी की स्टफिंग बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है इसको बनाना, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। जब 1 मिनट हो जाए ना, तो आपको डाल देना है अपने गोभी को। तो आज हमने गोभी को कद्दूकस पे क्रश नहीं किया है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों का बनाने का तरीका सेम इक्वल है। तो आज हमने इसको चाकू से काट कर बनाया, तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। फिर हम गोभी को मिक्स कर लेंगे। तो हमारा पूरा कढ़ाई है ना भर चुका है, तो आप चाहे तो गोभी कम या ज़्यादा से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं। फिर हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर। तो चलिए इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो जाएगा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक को डाल देने के बाद चलिए इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर लाते हैं, इसको और स्पाइसी और मसालेदार बनाते हैं। तो हम डाल देंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लेवर आएगा, साथ ही टेस्ट डिलीशियस बनेगा, क्योंकि चाट मसाले में सारे मसाले का फ्लेवर आ जाता है। 3 से 4 मिनट तक सबको पका लेंगे। फिर हम डाल देंगे हरी धनिया को। तो बन गया हमारा गोभी का स्टफिंग। 2 से 3 मिनट तक और पका लेना है आपको गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर। तो कितना बनाने का तरीका आसान था ना, बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे कोई सा थाली या प्लेट में। लीजिए, हमने निकाल लिए इसको, अब हम ठंडा होने दे देंगे। तो चलिए, हमारा गोभी का स्टफिंग तैयार हो गया। तो अब हम अपने आटा को देख लेते हैं, आटा लगा लेते हैं। तो हमने 2 कटोरी आटा लिए, लगभग हमने 500 ग्राम आटा यूज़ किया है। आटे में डाल देंगे थोड़े से नमक को, नमक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल को। इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो खस्ता बन जाएगा। गोभी पराठा खस्ता थोड़ा ना बनता है, वो तो बस स्वाद के लिए डालते हैं ऑयल को। डालने के बाद सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी डाल डालकर अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात, आपको डो को बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है, थोड़ा टाइट डो रखना है। जैसे रोटी का डो होता है ना, वैसे आपको डो बिल्कुल भी नहीं रखना है, थोड़ा उससे टाइट रखना है। फिर हम अपने डो को अच्छी तरीके से मार लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। कितना परफेक्ट है ना, जो चलिए चेक करके बताती हूँ। देखिए कितना फाइन डो बना है ना। फिर हम इसको ढक देंगे और 20 मिनट तक सेट होने दे देंगे। 20 मिनट के बाद देखेंगे। तो देखिए 20 मिनट के बाद हमारा डो कितना परफेक्ट, कितना फूला फूला हो गया ना। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से आटे को।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं गोभी पराठा बनाना। एक डो में से एक छोटा सा डो ले लेंगे। तो आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी गोभी पराठा कैसे बनाएं। तो यह हमारा पहला तरीका है, डो को सर्कल कर लेंगे, अपने गोल कर लेंगे और फिर हम रोटी बना चकला होता है ना उस पर रख लेंगे। और रखने के बाद आपको थोड़ा सा इसको बेल लेना है। थोड़ा सा बेल लेने के बाद, मतलब ज़्यादा नहीं बेलना, बस थोड़ा सा बेलना है ताकि स्टफिंग आ जाए। फिर हमने जो स्टफिंग लिया था ना उसको डाल देंगे। तो कम या ज़्यादा भी करके डाल सकते हैं। और डालने के बाद ध्यान रखने वाली बात, आपको देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, आपको सेम इसी प्रोसेस से करना है। सारे साइड के कॉर्नर को ले लेकर बीच में चिपका लेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। फिर जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको हटा देंगे। हटा देने के बाद हाथ से सर्कल कर लेंगे और फिर जो रोटी बना चकला होता है ना उस पर रख लेंगे और हल्के हाथों से बेलेंगे। तो आपको पता होगा कि गोभी पराठा बनाते हैं ना तो जब बेलते हैं तो फट जाता है। और एक बात भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि गोभी पराठा की खासियत क्या होता है। देखिए जब फट गया ना तो समझे कि बहुत ही परफेक्ट बनेगा। फिर हम गैस पर चढ़ा देंगे, तवे या तवे पर डाल देंगे अपने रोटी को। तो चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका भी सेम वही है। थोड़ा सा अपने डो को लेकर सर्कल कर लेंगे और उसको बीच से हाथ से प्रेस करेंगे, जैसे लिट्टी बनाते हैं ना, बाटी बनाते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। और करने के बाद जो स्टफिंग लिया है ना उसको डाल देंगे। और डाल देने के बाद दोनों साइड से लेकर प्रेस कर लेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों का तरीका बनाने का आसान होता है। आपको जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अपने रोटी को पलट लेते, नहीं तो रोटी जल जाएगा। आराम आराम से करके पलट लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर। तो इसको भी इसी तरीके से बेल लेना। इसके बाद जो हमने अपने आटे लिए थे ना, थोड़े से आटे को रख रख के बेल लेंगे। टाइट हाथ से बिल्कुल भी मत बेलिएगा, नहीं तो पूरा स्टफिंग बाहर आ जाएगा। तो कितना बनाने का था ना तरीका आसान। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, जिस तरीके से पसंद है उस तरीके से बना सकते हैं। फिर अपने रोटी में लगा लेंगे ऑयल को, आपके ऊपर कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन आज हम इसमें मीडियम लगाएंगे। तो आपको पता होगा कि गोभी के पराठे ना फूलता नहीं है। अगर नहीं पता हो तो अब पता चल गया होगा। तो आप लोग ये मत सोचोगा कि गोभी का पराठा फूल क्यों नहीं रहा हमारा। गोभी का पराठा कभी भी फूलता नहीं है, वो ऐसे सिक सिक कर ना बन जाता है। तो जो छलनी है ना, छलनी से लेकर प्रेस कर करके बना लेंगे गोभी पराठे को। तो कितना आसान रेसिपी था ना। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से बनाइएगा, सेकेंड को भी बना लेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को सर्व करते हैं। तो ये लीजिए हमारे स्पेशल गोभी पराठा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।